गुरदासपुर जिले के बटाला के हल्के डेरा बाबा नानक के गांव सिंहपुरा में पिछले दो दिन से लापता बच्चे का शव गांव के सरकारी स्कूल के ग्राउंड में रेत के ढेर के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरा गांव घटना स्थल पर जमा हो गया। मृत बच्चे के शव पर मामूली निशान पाए गए हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने शव और पूरे इलाके की जाँच पड़ताल की। घटना वापरी साडे पिंड दे विच बहुत ही दुखदाई घटना वा। परसों शाम का मुंडा 7 बजे तो गुम आ। पुलिस प्रशासन वालों ठीक अपने तरीके पूरी कार्रवाई की गई है, पर जो जिस तरह अज सवेरे बच्चे की लाश स्कूल की ग्राउंड में बरामद हुई है, जे रात प्रोपर पुलिस ने कोई नाका वगैरह भी लाया होंदा तो मेरे ख्याल आराम। पुलिस हुण SP साहब भी आए हैं, डिप्टी साहब भी ने हुण भी कार्रवाई कर रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं भेजा गया। सानू साडे पिंड वालों तो साडे इलाके वालों एक बेनती आ कि दोषियों फड़ के जिस तरह जो भी कोई दोषी है चाहे पिंड का चाहे बाहर का उन्होंने सख्त तो सज़ा दी जाए। तो सानू इंसाफ मतलब पूरा यकीन है कि जो पुलिस जी पूरा न्याय करेगी, तो जे पुलिस वालों कोई कमी रही है तो फिर साडे पिंड वालों जो होएगा या इलाके एरिए वालों जो होएगा फिर अं अपने तरीके भी जो जो सड़क डकनी पी या कोई होर धरना लाना पाया तो अभी वो भी लावे इंसाफ लिए। फोरेंसिक की भी टीम आ रही है जी। 8 साल के करीब 3.25 फुट की हाइट है। जतेंद्र मसीह का बेटा ये परसों इन्होंने लागे फंक्शन से घर उन्होंने घर नचदा नुचदा रहा विआह वाले घर। उस तो बाद मिसप्लेस हो गया रात 7:30 ये साढ़े इतने चौंकी इतला आई। रात पूरी सर्च की, कल असी फिर ये संबंध से परचा दर्ज करता 365 अच्छ सवेरे इतलाह मिली है कि यदि बॉडी जी बार स्कूल की ग्राउंड पई है। उन्होंने मुआयना किया सारा, इन्वेस्टिगेशन शुरू करा कार्रवाई 302 परचा दर्ज करता। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। धारा 302 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि जब बच्चा लापता हुआ था अगर उस वक्त शिकायत पर पुलिस सही कार्रवाई करती तो हमारे बच्चे की ऐसी हालात ना होती। बटाला से न्यूज के लिए गुरुप्रीत चावला की रिपोर्ट।